को भी आ, हे इधर 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 आइए मगर, अरे सुनिए तो, अरे महाराज हल्का बाद में हो लीजिएगा, आई देखे देखे ना हमारा व्हाट्सएप में कहा है, इधर इधर इधर। अच्छा गोपाल बताइए, पूरा दुनिया कोरोना से परेशान, हम भी हैं आप भी हैं, है ना, आपको पता है उस पे चाइना एगो कांड कर दिया है, पता है क्या किया है, चाइना रातों रात अनजान जगह एगो मिलिट्री ड्रिल कर दिया, जिसके वजह से जितना अगल बगल देश है ना, एक मिनट सुनिए, हम जितना अगल बगल देश है सब परेशान, और सबसे ज्यादा परेशान है इसमें जापान और ताइवान, जापान और ताइवान दोनों का कहना भैया कि साला कोरोना का बहाने से उन पर अटैक करना चाहता है, जापान चाइना का डर से पता था कि अपना सीमा पे 340 सैनिक और मिसाइल पहले से तैनात कर दिया, और ताइवान का तो आरोप लगाया है चाइना पे भैया, ताइवान का कहना है कि जी जो रात ड्रिल किया 29 तारीख का रतिया में, उसी दिन उन लोग अथी भेज दिया, चाइना लोग जेटवा भेज दिया, जेट भेज दिया, तो इन लोग भी रहा तेज ताइवान, यो जेट भेज दिया, जाओ साला अब खदेड़ के भगाया, तब जाके माहौल थोड़ा सा शांत हुआ, और ताइवान का तो ये भी कहना है कि साला कोरोना के बहाने से अटैक करके उस पर अथी कब्जा करना चाहता है, तो जाके ताइवान एकदम जल्दी जल्दी पूरा सैनिक तैनात किया अपना सीमा पर, तब जाके अभी थोड़ा ताइवान अपना सुरक्षित है। भैया वो बात बताइए, दुनिया परेशान है कोरोना से, आई वो ये चाइना वाला अलगे लगा हुआ है दुनिया का उंगली करने में, नहीं सुधरेगा जी महाराज, हैं बताइए आपको पता क्या लगता, सीक्रेट है बताइएगा ना, हमको तो ये लगता है ये जो चाइना वाला है ना यही बनाया कोरोना वायरस, सबको तंग कर रहा है, अब बाद में सोचता कि हम राज करें, हाय महाराज आपको तो दिन भर हल्के होने में लगा रहा था, दुनिया परेशान है कोरोना में, इनको हल्के होना, जाइए हल्का होइए, हम बरस करेंगे। कहा नेता की निपति आ रहे हैं जी, गाइस लेने हैं तो लेके जाइए ना, 1200 रुपया लगेगा, वो गया जमाना भैया सारे 800 रुपये वाला, अब नहीं मिलेगा, और ऐसे टाइम पे खातों पे नहीं मिलेगा, जाइए ना जाके पासबुक एजेंसी में लगा के देखिए, कार्ड पे देता है 1200 रुपये में, चाहे तो बोलिए दोबारा 1 घंटा बाद आइएगा ना, कि 1200 रुपये तो हम तुमको नहीं देंगे समझे, और अभी नहीं कमाएंगे तो क्या बाद में कमाएंगे, और हम दिन भर गैस एजेंसी और इधर उधर से जब इकट्ठा करेंगे और वही रेट पर आपको दे देंगे, हम तो कमाएंगे ठेंगा, तो वाफी वो तेज बने हैं काला बाजारी, वाह गाइस ने लेना है जी, ज्यादा नेतागिरी मत कीजिए, गैस लीजिए और घर जाके खाना बनाइए, नहीं चाहिए तो जाइए ना, अकेले आप नहीं है ढेरे है, जाइए जाइए। कोरोना के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया, किधर रात हो गया, दिन भर से पैदल चल रहे हैं, यही जगह बिस्तर डालते हैं, हम कहां गलती किए थे बता, कहां गलती किए थे हम, हम तो यहां दिल्ली आए थे कमाने के लिए, सामान को रख देते यही जगह, अभी बहुत दूर जाना बाकी है, बहुत दूर जाना बाकी है, सुबह बिहाने से चलेंगे दिल्ली, तो अब कदियों नहीं आएंगे दिल्ली में कुछ है, कुछ नहीं है दिल्ली में, या कुछ ऐसे ही महामारी बीच बीच में आएगा और ऐसे ही बीच बीच में भागना पड़ेगा, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, 4 दिन से पैदल चल रहे हैं, फोन भी ऑफ हो गया है, बर्बाद हो गया, अब खत्म हो गई लॉकडाउन। अरे बाबू
गनवा सुना नहीं पता हम सुनाते हैं। सांप चमगादड़ खाता देश चाइना, सांप चमगादड़ खाता देश चाइना, इसी से हुआ है वायरस कोरोना। हाँ वही वाला तू तो सुन बे, तू हमारे से पहले सुनता है। अच्छा फटाफट को चाय दे दो, बड़ी तह तह कर रहा है। जल्दी जल्दी चाय देते हो तू? क्या चाय नहीं है क्या? साला पुलिस लोग तो चाय पीना जुलम कर दिया, क्या करें? अब आए तो दो पेपर वो पेपर वो पढ़ ही लेते हैं ना। साला जहां देखो वहां चाइना 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 हरा है। अमेरिकी कंपनी ने ठोका चीन पर 20 लाख करोड़ डॉलर का मुकदमा। इतना कर दिया चीन हो कहीं देखें। वाशिंगटन में केंद्रित एक अमेरिकी फर्म और टेक्सास की एक कंपनी ने नोबल कोरोना वायरस, अच्छा कोरोना वायरस के संपर्क को लेकर चीन सरकार ने 20 लाख करोड़ पर ठोक दिया मुकदमा। बाप रे बाप, ठीक किया सर, बहुत उड़ रहा था वायरस फैला कर रख दिया सबको। आगे कहा तनी पढ़ते हैं। इन दोनों कंपनियों ने इस वैश्विक महामारी के नुकसान की भरपाई के लिए चीन को मुआवजा मांगा। ठीक है बेंच, चीन ने बड़ी सलाह हमेशा कुछ ना कुछ फैलाते रहते। माय लव सोफिया, माय सन सैमुअल, तुम्हारा पापा लगातार कोरोना के साथ फाइट कर रहा था। इस फाइट में तुम्हारा पापा भी आज संक्रमित हो गया है, इसलिए आखिरी बार मैं तुम सबसे मिलने आया हूं, क्योंकि मैं आज के बाद आइसोलेशन में जा रहा हूं और मुझे नहीं पता इस आइसोलेशन में मेरा शरीर इस वायरस के खिलाफ कैसे एक्ट करेगा, ये वायरस मेरे शरीर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये 14 दिन इस आइसोलेशन में डिसाइड होगा। हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं, हो सकता है मैं कभी नहीं आऊं। अगर मैं कभी नहीं आ पाया उस कंडीशन में तुम लोग मेरे इस शरीर को भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि कोरोना वायरस मृत शरीर में भी जिंदा रहता है और लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा एक मैसेज आप लोगों तक जरूर पहुंचाओ। ये कोरोना वायरस इतनी खतरनाक महामारी है कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इससे बचाव है और सावधानी है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन डिसाइड किया है, इस लॉकडाउन का पूरी शिद्दत से पालन करें, नहीं तो आप भी मेरी तरह उनसे दूर हो जाएंगे और शायद हमेशा के लिए।